हर जुर्म हर बुराई पर होगा ये न्यूज का सीधा वार। आप देख रहे हैं ये न्यूज, खबर आप तक। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग का प्रदेश अधिवेशन और पत्रकार सम्मान समारोह होटल गठबंधन आगरा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता दिल्ली से विनय चौधरी मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता दिव्या त्यागी की विनय चौधरी से कुछ खास बातचीत। मैं दिव्या त्यागी स्वागत करती हूँ आपका ये न्यूज में। आज हम मौजूद है सिकंदरा गठबंधन होटल में, जहां पर मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम का नाम प्रदेश अधिवेशन के तौर पर उसे रखा गया है, और दूसरा पत्रकार सम्मान समारोह। आज हमारे साथ में मौजूद है विनय चौधरी जी, कुछ परिचय हम इनसे इन्हीं के बारे में जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये किस तरह से यूथ एज ही इज नोन फॉर यूथ इंस्पिरेशन, तो हम इनसे जानना चाहते हैं किस तरह से ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम। देखो, हमारे देश के अंदर 67% जो यूथ की जनरेशन है, वो लगभग हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे देश के अंदर 67% यूथ है, तो हम लोग वी आर ए यंग कंट्री। हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग, हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारे पास अच्छे साइंटिस्ट हैं, हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स हैं, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा जो देश है वो यूथ सबसे ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं यूथ को आगे आना चाहिए, तो यूथ का आगे केवल ये नहीं है कि यूथ को आगे केवल जॉब्स में आना चाहिए, नौकरी में आना चाहिए, नहीं, यूथ को आगे राजनीति में भी आना चाहिए, व्यापार में भी आना चाहिए, बिजनेस में भी आना चाहिए, हर वर्ग में, हर जगह पर यूथ को आगे आके प्रयास करना चाहिए। तो एक संदेश प्रधानमंत्री का जो संदेश है वही मेरा संदेश है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भिन्न भिन्न तरह के हम लोग हैं, हम सब लोगों को अलग अलग धाराओं में अलग अलग जाके यूथ को आगे आना चाहिए, और एक नए जो इंडिया की हम लोग संरचना करने की बात करते हैं उसके लिए आगे प्रयासरत रहना चाहिए। सर, आज का जैसे जो कार्यक्रम है मानवाधिकार, मैं चाहती हूँ, ज़्यादातर लोग अभी इससे प्रॉपरली अवगत नहीं है, मैं चाहती हूँ आप एक छोटा सा उस पर अपना वाक्य रखें और लोगों को समझाएं कि एक्चुअली ये है क्या है। देखो, कोई भी आयोग होता है, जो मानवाधिकार आयोग होता है, हमेशा आयोग वो होता है जो मानव के हित के लिए काम होता है। अगर आज ये जो आयोग है, अगर कहीं भी, जो मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह के आयोग जो हमेशा सोच से दलित पिछड़े वंचित लोगों के लिए एक सुविधा के लिए होता है, उनकी सहायता के लिए होगा, इस तरह के आयोग हमेशा समाज में एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह के आयोग हमेशा रहने चाहिए, और मानव हित के आयोग हैं, जो कि हमेशा इस तरह के आयोग में समाज को भी सरकार को भी इनका साथ देना चाहिए। सॉरी टू से यू सर, बट जिस तरह से आपने पहले बताया यूथ का इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स, आपने कहा कि जिस तरह से हर फील्ड में यूथ आगे जाता है, तो उनको पॉलिटिकल फील्ड में भी आगे बढ़ चढ़कर अपना पूरा योगदान करना चाहिए, लेकिन यूथ के दिमाग में एक मिथ बनी हुई है पॉलिटिक्स को लेकर कि हमें एक गुंडागर्दी करने का एक वो लाइसेंस प्राप्त हो जाता है, तो क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। और जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, उस पार्टी का इस तरह का कभी व्यक्तित्व नहीं रहा कि वो इस तरह की गुंडागर्दी की बात करे। भाजपा के लोग हैं हम लोग, और आप जानते हो हम लोग देश हित की बात करते हैं, बचपन से देखा है, जमीन की स्तर से बात करते हैं, और हमेशा ये कल्पना करते हैं हम लोग कि हम लोग एक आगे आके इस तरह का जो युवा है वो एक, न कि केवल एक कास्ट वाइज, हम लोग चाहते हैं कि सर्व जाति से हम लोग आगे आगे काम करें, और कोई गुंडा गर्दी और इस तरह की हमारी पार्टी कभी कल्पना नहीं करती इस तरह की बातों की। हमारे साथ मौजूद थे विनय चौधरी जी, इन्होंने बताया कि इस मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग का, इसको थोड़ा अवगत कराएं। देखिए, जो आज का जो कार्यक्रम है, ये हमारा प्रांतीय अधिवेशन है, हम साल में एक बार करते हैं उत्तर प्रदेश में, सभी प्रदेशों में करते हैं। इस कार्यक्रम को विशेष हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है, उन्होंने विशेष इस उद्देश्य से बनाया है कि ये 14 फरवरी जो है हमारा पुलवामा शहीद दिवस के रूप में मनाने का, तो इस कार्यक्रम को विशेष बनाने का योगदान हमारे संस्कृति का प्रदेश और इसका हमारे जो मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग संस्था है, हमारा संगठन, इसका उद्देश्य मानवाधिकार जागरूकता एवं संरक्षण, सर्वप्रथम जो जागरूकता कैंपों के माध्यम से हमारे 7 राज्यों में, हमारे ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, हमारे प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मोर्चे का गठन होता है, और लगातार हम पिछले 2 वर्षों से 150 से ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर चुके हैं, जिसमें कि मानवाधिकार हनन से संबंधित समस्याएँ, स्त्री उत्पीड़न से संबंधित समस्याएँ, कई ऐसा देखने को मिलता है कि रूरल एरियाज में योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं सरकार की, केंद्र सरकार की, तो योजनाएं तो आ रही हैं बट वहाँ पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। उस संबंध में आयोग ने काफ़ी काम किया है, संस्था ने काफ़ी काम किया है, हमारे 7 राज्यों में जो संगठन है मजबूती के साथ आ रही है। ये शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक सर्किल टीम विस्तार के लिए किस तरीके से आप रणनीति में काम करेंगे? देखिए, हमारी जो है काम हमारा ऑलरेडी चल रहा है, हमारी जो रणनीति है वो इस तरीके से रहती है कि हम सबसे पहले
उस स्थान को चयनित करते हैं कि जहाँ पर मानव अधिकार उल्लंघन के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर हमारा विशेष फोकस रहता है ग्रामीण इलाकों में, पिछड़े इलाकों में, और वहाँ पर हम उस क्षेत्र को चयनित करके वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, योग्य लोग होते हैं, कानूनविद होते हैं, उनका एक समूह बना के उन समस्याओं को पहले तो हम रेखांकित करते हैं, रेखांकित करने के बाद उन समस्याओं को केंद्र तक पहुँचाना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुँचाना और अपने स्तर पर भी उनको जिला प्रशासन के माध्यम से उनका निस्तारण करना, ये हमारा कार्य है। थैंक यू। वही कार्यक्रम में पत्रकारों को पट्टिका एवं मेडल पहनाकर सम्मानित किया।